आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल रिच माइंडसेट पे। आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे हमारे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पार्ट टू को। जैसे कि प्रीवियसली ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पार्ट वन में आप सभी ने बहुत लव एंड सपोर्ट दिया, बस वैसा ही लव एंड सपोर्ट आपका मुझे इस वीडियो में चाहिए। और हमने एक छोटा सा टारगेट रखा है 1000 लाइक्स का। इसे ये 1000 लाइक कंप्लीट हो जाएंगे तो हम लेके आएंगे आपके लिए ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पार्ट 3 और उसके साथ कुछ यूनिक इन्फॉर्मेशन। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको 4 क्वेश्चन दूंगा गेस्ट के और उसके प्रॉपर सॉल्यूशन प्रोवाइड करूं। आपको स्क्रीन पे एक प्रोस्पेक्ट दिखेगा जो आपका गेस्ट है, जो आपका फ्रेंड है, और एक यू दिखेगा जो आप खुद हो। तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ, जो कि है मेरे पास कॉन्टेक्ट नहीं है। आपने बहुत बार देखा होगा कि आपके गेस्ट बोलते हैं, आपके प्रोस्पेक्ट बोलते हैं कि मेरे पास कॉन्टेक्ट की कमी है, मेरे पास कॉन्टेक्ट नहीं है। फिर आपको सिंपल सा बोलना है आपकी शादी में कितने लोग आए थे, या उसकी शादी नहीं हुई थी तो आप बोल सकते हो अगर आपकी शादी होती है तो आप कितने लोगों को इनवाइट कर सकते हो, तो उसका आंसर आएगा 300 से 400 लोग। फिर आपको सिंपल सा बोलना है इन सबको आप जानते थे कि आपने पेपर में ऐड दिया था। प्रोस्पेक्ट बोलेगा नहीं, ये तो मेरे जान पहचान के थे। फिर आपको बोलना है आपके पास मोबाइल फोन है, उसमें कितने कॉन्टेक्ट नंबर है। प्रोस्पेक्ट बोलेगा 250 से 300। फिर आपको बोलना है क्या ये कॉन्टेक्ट नहीं है, यही वो कॉन्टेक्ट है जिनको आपको रिफर करना है, जिनको आपको अपॉर्चुनिटी शेयर करनी है, जो कि आपके साथ बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। हर पर्टिकुलर पर्सन के पास एक डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं। मान लो आप 10th क्लास में होंगे तो आपके पास कुछ अलग फ्रेंड होंगे, आप 11th 12th में आए थे आपका फ्रेंड सर्कल चेंज हुआ, आपको नए लोग मिले, आपने कॉलेज किया तो आपको नए लोग मिले, आप जॉब करने गए तो आपको नए लोग मिले। ऐसे करते करते हमारी कॉन्टेक्ट लिस्ट बढ़ जाती है, लेकिन आपको पता नहीं आपके पास कितने कॉन्टेक्ट है। और इसकी हम पूरी आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, किस तरीके से आपको लिस्ट प्रिपेयर करनी है, किस तरीके से आपको अप्रोच करना है, उसकी आप टेंशन मत लीजिए। बस इतना सा आपको बोलना है आपके प्रोस्पेक्ट को। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कवर हो गया। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ, जो कि आपके प्रोस्पेक्ट बोलते होंगे मेरे अंकल, मेरे पड़ोसी, मेरे फ्रेंड ने किया था लेकिन चला नहीं और उन्होंने छोड़ दिया। फिर आपको बोलना है आपके पास कौन सी गाड़ी है। प्रोस्पेक्ट बोलेगा कार है, बाइक है, जो भी उसके पास रिस्पेक्टिव, जो भी उसका आंसर आता है। फिर आपको बोलना है वो अपने आप चलती है कि आपको चलाना पड़ता है। फिर प्रोस्पेक्ट खुद बोलेगा नहीं, चलाना पड़ता है। फिर आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से बताना है, ऐसे ही मेरिट लाइफ चलती है कि एडजस्टमेंट के साथ चलाना पड़ता है, जॉब अपने आप चलती है कि काम करके चलाना पड़ता है, सर अपने आप कुछ नहीं चलता, चलाना पड़ता है। एक ही क्लास में दो स्टूडेंट होते हैं, एक टॉप मारता है और एक फेल हो जाता है। स्कूल सेम, टीचर सेम, सिलेबस सेम, एग्जाम का पेपर सेम, प्रिपरेशन का टाइम सेम, सब चीजें सेम है, लेकिन एक पर्सन टॉप मार रहा है और एक पर्सन फेल हो रहा है। लेकिन आप जो स्टूडेंट फेल हुआ उससे पूछोगे तो वो गलती बताएगा टीचर की, स्कूल की, सिलेबस की, पेपर की। वो बोलेगा कि आउट ऑफ सिलेबस था, एग्जामिनर अच्छा नहीं था, मतलब उसके सारे एक्सक्यूज आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे गलती किसकी है, उस स्कूल की है, उस टीचर की है, उस सिलेबस की है कि उस पेपर की है। यहाँ पे गलती उस स्टूडेंट की है कि उसने मेहनत नहीं करी। और उसी सेम टाइम पे आप जिसने टॉप किया है उससे पूछोगे तो वो बोलेगा एग्जामिनर भी अच्छा था, क्वेश्चन पेपर भी सिलेबस के अंदर का था, टीचर ने पढ़ाया भी बहुत अच्छा, मतलब उसके सारे पॉजिटिव आंसर आएंगे क्योंकि उसने मेहनत करी थी और मेहनत करने के बाद वो पास हुआ है। आप किसी भी स्कूल, किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो वो थप्पा देके आपको ये तो बोलते नहीं कि आपका प्लेसमेंट हो जाएगा, आप पास हो जाओगे। वहां पे जाके मेहनत तो आपको खुद को करनी पड़ती है। और इसी टाइप से यहाँ पे भी आप हमारे साथ वर्क करोगे तो आपको थोड़ी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। सर ऑटोमेटिक कुछ नहीं होता है, आपको सीनियर्स को फॉलो करके, जो हम बोलेंगे, जो हमारी गाइडेंस है उसको फॉलो करके आपको धीरे धीरे वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि सक्सेस हासिल करने के लिए कुछ तो करना पड़ता है, सक्सेस ऐसे ही नहीं मिलती है। सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। आपका गेस्ट बोलता है मेरे अंकल, मेरे पड़ोसी से पूछूंगा, या मेरे किसी जानने वाले ने किया होगा उससे पूछूंगा। फिर आपको बोलना है वेरी गुड, जरूर पूछना चाहिए। फिर आपको एग्जाम्पल लेके समझाना है, सर मान लो 3 लोग हैं, एक ए है, एक बी है, एक सी है। ए ने कोई पर्टिकुलर बिजनेस किया, बी ने भी वही सेम बिजनेस किया, और सी बी का पड़ोसी है। ए ने सक्सेस हासिल करी उस बिजनेस में, बी का बिजनेस चल नहीं पाया, सी पड़ोसी था तो कुछ बोल नहीं सकते। सो आपको उसी टाइप का बिजनेस करना है तो आप किससे पूछोगे, आप सी से पूछोगे, बी से पूछोगे, कि ए से पूछोगे। सो प्रोस्पेक्ट का आंसर आएगा मैं ए से पूछूंगा। ऐसा क्यों,
क्योंकि वो पर्टिकुलर पर्सन जो ए है वो उस फील्ड में सक्सेस हासिल कर चुका है। मैं बी से पूछने जाऊंगा, मैं सी से पूछने जाऊंगा तो मुझे कुछ नेगेटिव आंसर्स मिल सकते हैं। ये बिजनेस चल नहीं पाता है, वो बिजनेस कुछ भी हो सकता है, उसने बेकरी ओपन करी हो, उसने किसी पर्टिकुलर चीज की फैक्ट्री ओपन करी हो, तो भी ये केस अप्लाई होता है। और सेम केस डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग में अप्लाई होता है। जो लोग सक्सेस नहीं हो पाते इस फील्ड में वो बोलते हैं कि ये बिजनेस चल नहीं पाता है, लेकिन आज लोग इस बिजनेस से कमा रहे हैं, आज लोग इस बिजनेस से अपने ड्रीम फुलफिल कर रहे हैं। बात यही आती है कि आप सजेशन किससे लेते हो, आप एक सक्सेसफुल पर्सन से सजेशन लेते हो क्या, फेलियर से सजेशन लेते हो? आप फेलियर से सीख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो फेलियर है वो आपको एक नेगेटिव आंसर ही देगा। जो भी हम हमेशा स्टोरीज पढ़ते हैं बिलियनियर्स की, उनकी सक्सेस स्टोरी पढ़ते हैं, किस तरीके से उन्होंने सक्सेस अचीव करी, हम किसी पर्टिकुलर फेलियर की स्टोरी क्यों नहीं पढ़ते? उसके पीछे भी कुछ कारण होगा ना। इसीलिए आपको सजेशन उस पर्सन से लेना है जो इस फील्ड में सक्सेसफुल हो चुका है, क्योंकि वो ही आपको प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड कर सकता है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कवर होता है। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आपका प्रोस्पेक्ट आपको बोलता है कि मैं लोगों को कन्विंस नहीं कर सकता, फिर आपको बोलना है आप बताओ कि अगर आप कन्विंस ना होना चाहो तो क्या मैं आपको कन्विंस कर सकता हूँ? प्रोस्पेक्ट बोलेगा नहीं। फिर आपको बोलना है हम ऐसे लोगों को कन्विंस नहीं कर सकते, बस हमें राइट इन्फॉर्मेशन और राइट फैक्ट एंड फिगर बताने, जिन लोगों को कन्विंस होना है वो कन्विंस हो जाएंगे और आपके साथ बिजनेस स्टार्ट कर देंगे, जिनको नहीं होना है कोई प्रॉब्लम नहीं, दुनिया में लोगों की कमी तो है नहीं। और सर एक चीज समझिए, कन्विंसिंग स्किल बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। आप किसी भी फील्ड में चल जाइए, आपको कन्विंस करना आना चाहिए। आप जॉब के इंटरव्यू में बैठे हो तो आपको कन्विंस करना आना चाहिए, आपको कन्विंस करना है कि वो आपको हायर करें। आप एग्जाम में बैठे हो तो आपको रिटर्न में कन्विंस करना है कि मुझे अच्छे मार्क्स दे। हर फील्ड में हर जगह आपको कन्विंस करना आना चाहिए, और यहाँ से आपकी कन्विंसिंग स्किल भी इम्प्रूव होगी, आपकी सॉफ्ट स्किल भी इम्प्रूव होगी, जिससे आप दूसरी फील्ड में भी अच्छा कर पाओगे। सो ये थी आज की वीडियो, जिसमें मैंने कवर करे प्रोस्पेक्ट के 4 क्वेश्चन। होप सो यू एंजॉय दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने ग्रुप्स में, अपने डाउनलाइंस में, अपने अपलाइंस में। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल पे आपको ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस मिलती रहेगी। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक यूनिक कंटेंट के साथ। थैंक यू सो मच।